अभी आंवले की सीजन परसों से बढ़िया हो जाएगी। शरद पूनम के बाद आंवले वीर्यवान हो जाते हैं। एक किलो आंवले ले लिए, 10-5 ग्राम पानी डाल दिया कुकर में, आंवले धोकर आधी सीटी लगी, एकदम कम अग्नि पर आंवले थोड़े पके, आधी सीटी लगी न लगी उतार के रखो, थोड़े सीजे बाद में उसकी गुठली निकाल दो, आंवले के मावा को बिल्कुल पेस्ट बना लो। एक किलो आंवला है तो एक किलो चाशनी बनाकर उसको 2 किलो मावा में बदल दो, 1 किलो रख दो मीठा और 1 किलो में मिर्च मसाला और छौंक आदि लगाकर चटनी बना दो। भोजन के पहले परिवार वालों को वो चटनी दो जिससे मंदाग्नि दूर हो, और 5 रस है आंवले में, भोजन के पहले थोड़ा वो खाएं। अगर घर में मंदाग्नि किसी को है तो उसमें अदरक वदरक भी मिला सकते हैं, सौंठ आदि भी मिला सकते हैं, जीरे की छौंक लगा सकते हैं, आंवले की चटनी, और जो मीठा आंवला पड़ा है मुरब्बा जैसा उस आंवले में थोड़ा सा हल्दी मिला दो, 10-12 ग्राम मिलाकर पानी डालो और सुबह सुबह पियो तो प्रदर की बीमारी, धातुशय की बीमारी, सपनदोष की बीमारी, शीघ्र पतन की बीमारी से निर्यात मिलेगी। आंवले का उपयोग करना है 11 तारीख के बाद, और 11 तारीख रात को खीर रखना है चांदनी में। अपन यहाँ 10 तारीख को रखेंगे और अहमदाबाद में 11 तारीख